Namaskar, sir. My name is Shri Datta and I teach biology at Kendriya Vidyalaya IIM Joka, Kolkata. My question to you, sir, is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? As a teacher, हमें उन parents को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि exam से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूँ और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है, दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है, मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है, एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाए, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना। अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने, सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछे अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, जरा ये क्या कह रही थी, एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे। (Clears throat)